पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग और वेग के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 3 प्रकार का होता है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। थोड़ा सा मैं उसको समझा देना चाह रहा हूँ कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। औसत वेग में जो समय होता है उसे हम माप सकते हैं, मतलब जैसे दिया है कि 2 सेकंड पे अभिक्रिया अभिकारक की मोलर सांद्रता दी है और 5 सेकंड पे मोलर सांद्रता दी है, तो आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है। यानी 2 सेकंड और 5 सेकंड के बीच जो समय है उसे हम माप सकते हैं। लेकिन जो तात्क्षणिक वेग होता है, जैसे कहा जाता है कि 3 सेकंड पर अभिक्रिया का वेग बताओ, तो 3 सेकंड एक पर्टिकुलर समय है, एक क्षण की बात कही जा रही है, एक पॉइंट की बात कही जा रही है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसमें टाइम इंटरवल की बात नहीं होती, तात्क्षणिक में किसी क्षण की बात होती है और औसत में समय अंतराल की बात होती है। दो टाइम पीरियड दिया रहता है, उसके बीच में औसत वेग निकालना होता है। अब प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ शुरू होती है, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, आपने जब स्टार्ट किया और गाड़ी जब चलना शुरू करती है तो उस समय जो गाड़ी का वेग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग होता है। अगर आप उसे प्रारंभिक वेग नहीं देंगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। उसी तरीके से अगर कोई अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिक्रिया के शुरू में उसका कुछ वेग होता है, उसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। अगर अभी रिएक्शन में रेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन शुरू कैसे होगी, तो रिएक्शन पूरी कैसे होगी, मतलब स्टार्ट तो होना ही पड़ेगा। तो जब रिएक्शन होना शुरू होती है तो जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एनसीईआरटी में देखिए तो जब अभिक्रिया का वेग हम लोगों ने पढ़ लिया है, उस पर क्वेश्चन भी कर लिया है, उस पर उदाहरण भी कर लिया है, जो कुछ एनसीईआरटी में दिया है मैं उसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप उसे ढंग से करिए। आप देखिए उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दी है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये दिया है, लेकिन एक ही दो लाइन में उसको लिख के ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला कारक है सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण भाई, अभिकारक जितने ज़्यादा होंगे उतना अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि अभिकारक के अणु आपस में बार बार टकराते हैं। जब अभिकारक के अणु जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा टक्कर होगी और उतने ज़्यादा अभिक्रिया होगी। तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती। मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन आप आगे जाके संघट्टवाद पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जब दो रिएक्शन होती है तो जो अभिकारक, जब कोई रिएक्शन होती है तो अभिकारक के जो अणु होते हैं वो आपस में टकराते हैं। ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक है, अणु ए का है और दूसरा अणु है बी का, यानी ये ए टू है और ये क्या है? बी टू। ये दोनों अभिकारक, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। तो जब ये दोनों अणु आपस में टकराते हैं तो इसमें टक्कर बहुत तेजी से होती है, जिसको प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो जब ये प्रभावी टक्कर होती है तो ये जो इनके बॉन्ड होते हैं ये टूट जाते हैं, और टूटने के बाद ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है और इसके बीच में नए बॉन्ड बन जाते हैं। यानी ए बी और ए बी के बीच में नया बॉन्ड बन जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो टक्कर है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट है, अभिकारक। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये मैं थ्योरी आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद ही उत्पाद के अणुओं का निर्माण होता है। तो जितने ज़्यादा अभिकारक के अणु होंगे उतने ज़्यादा टक्कर होगी और उतने तेजी से उत्पाद का निर्माण होगा, यानी अभिक्रिया होगी।
फास्ट होगी, अभिक्रिया की गति तेज होगी, यानी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ने से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अभिकारक का सांद्रण, सांद्रण समझते हैं ना, उसकी मात्रा बढ़ाने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यहाँ पर मैंने उसका निष्कर्ष लिख दिया है कि अभिक्रिया वेग का वेग समानुपाते होता है उसके अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, एक लाइन में आप याद रखिएगा। दूसरा है ताप का प्रभाव। आप जानते हैं कि ताप के बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो खाना होता है वो ठंडक में शाम तक अच्छा बना रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में खाना दोपहर तक खराब हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो तेज़ी से होने लगती है, जिससे खाना तेज़ी से जल्दी सड़ जाता है। तो ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक बढ़ता है, ताप के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक बढ़ता है। ताप का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दो या तीन गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया का लिखना है, अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना तक बढ़ जाता है। यहाँ से एक चीज़ जो है एग्जाम में पूछी जाती है उसको मैंने लिख दिया है, ऐसे आप याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। तापीय गुणांक क्या होता है? किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। अभी आपको वेग स्थिरांक के बारे में मैं नहीं बताया हूँ, यह एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके बारे में मैं अभी इसी वीडियो में या अगली वीडियो में बता दूंगा। तो फिर से समझिए, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतराल पर वेग स्थिरांकों का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। यानी जब हम किसी भी अभिक्रिया को, जब किसी भी रिएक्शन को, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है उसे जब हम गर्म करते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है उस वेग के बढ़ने का कारण जो होता है उसका वेग स्थिरांक का बढ़ना होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वेग स्थिरांक क्या होता है, बढ़ता है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वेग स्थिरांक जो होता है 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, उसी के कारण जो अभिक्रिया का वेग होता है 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो परेशान नहीं होना है, मैं इसी वीडियो के अंत में या अगले वीडियो में बता दूंगा, आप इसे याद कर लीजिए। तापीय गुणांक बराबर होता है टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान, उसे क्या कहते हैं, तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक का मान 2 और 3 के बीच होता है। अभी मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तो जो अभिक्रिया के वेग के बढ़ने का कारण होता है वो क्या होता है, वेग स्थिरांक के मान का बढ़ना, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम टेम्परेचर पर वेग। जैसे मान लीजिए मैंने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक क्या होगा और 25 डिग्री पर क्या होगा, उसके अनुपात को क्या कहेंगे, तापीय गुणांक। तो तापीय गुणांक बराबर क्या होगा, के टी प्लस 10, यहाँ छोटा सा लिखा गया टी प्लस 10 का मतलब टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक बटे के टी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तापीय गुणांक की परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो कारक है वो है दाब का प्रभाव।
अब देखिए किसी भी पिस्टन में जैसे हमने गैस भर दी, किसी भी सिलेंडर में मैंने गैस भर दी, अब इसमें अगर एक पिस्टन लगा है इस पिस्टन को अगर मैं दबा रहा हूँ ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो जो इसके अंदर गैस भरी है उसका प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसके जो अणु हैं वो अब पास पास आ जाएंगे यानी अणुओं का क्या बढ़ जाएगा सांद्रण बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जब अणुओं का सांद्रण बढ़ जाएगा तो उनकी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर अभिकारक के अणु निकट आते हैं, ये मैंने समझा दिया, जिससे सांद्रण बढ़ता है, अतः अभिक्रिया का वेग सांद्रण तथा दाब दोनों के बढ़ाने पर समान रूप से बढ़ता है। तो दाब और सांद्रण दोनों को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि सांद्रण बढ़ाने से अभिकारक के जो अणुओं की जो संख्या वो बढ़ जाती है जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला जो फैक्टर है वो भौतिक अवस्था। अभिकारक के बारीक चूड़ ठोस की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। सही बात है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपको आप खाना बना रहे हैं और उसमें नमक डालना, तो अगर आप पिसा हुआ नमक डालेंगे तो जल्दी से खाने में मिक्स हो जाएगा कि नमक का एक छोटा सा इतना बड़ा अगर कोई टुकड़ा लेकर डालेंगे तब जल्दी से मिलेगा। एक टुकड़ा डालेंगे धीरे धीरे वो उसको मिलने में हो सकता है 10-20 मिनट का समय लग जाए, लेकिन अगर आप पिसा हुआ नमक डाल देंगे तो 1-2 मिनट के अंदर ही वो पूरे खाने में मिल जाएगा। यानी अगर कोई अभिकारक है उसका बारीक चूड़ है तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या होती है फास्ट होती है, और अगर ठोस है तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या होती है मंद गति से होती है। यानी अभिकारक की जो भौतिक अवस्था है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अगला जो है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, अभिक्रिया के अंत में वह उसी रूप में रहते हैं, लेकिन उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इसको हम धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अगले चैप्टर में आप उसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले देखिए मैंने उत्प्रेरक के बारे में समझाया है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु भार तथा संगठन की दृष्टि से अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब संकीर्ण ऊर्जा क्या है ये भी आप देखिए, मैंने फिगर बनाया है, इस पर क्या दिखाई गई है ऊर्जा दिखाई गई है, इस पर समय दिखाई गया। मतलब कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है इसके नीचे एक्सिस बनाना, थोड़ा सा जगह कम थी तो ये थोड़ा सा जो ये एक्सिस नहीं है इसके नीचे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर और यहाँ तक बना लेना है ना, ऐसे बना लेना यहाँ तक बना लेना ठीक है, और इस पर क्या लिख देना समय लिख देना। अब मान लीजिए कि ये देखिए अभिकारक है, अभिकारक की है ऊर्जा, हमने क्या किया इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करने के अलावा हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं। तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ये कोई भी रिएक्शन होना प्रारंभ होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इतना हमने ऊर्जा दिया और अभिक्रिया हुई, उसके बाद जब अभिक्रिया हो जाती है तो जो उत्पाद बनता है फिर उसके बाद उसकी ऊर्जा में कमी आती है। तो अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा थी और यह जो है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं, ये आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा थी और जब तक इतनी ऊर्जा नहीं होगी अभिक्रिया नहीं होगी,
मतलब संक्रमण अवस्था वाली ऊर्जा देना ही पड़ेगा, तभी अभिक्रिया हो पाएगी। तो इतनी जो ये ऊर्जा का गैप होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो अगर मैंने उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं किया था तो संक्रियण ऊर्जा का मान इतना था, यानी काफी ज्यादा संक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती है। यहाँ पर लिखा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा, लेकिन जब हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 100 जूल ऊर्जा देनी पड़ती थी, अब ऊर्जा जो है अगर 60 जूल हो जाए तब भी अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अब संक्रियण ऊर्जा का मान यह हो जाएगा, यानी उत्प्रेरक क्या करता है, वास्तव में संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर कोई पूछे कि उत्प्रेरक क्या करता है जिससे अभिक्रिया की का वेग बढ़ जाता है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभिकारक के अणुओं के पास 20 जूल एनर्जी है और बिना उत्प्रेरक के संक्रियण ऊर्जा जो है वो 100 जूल है, यानी जब तक 100 जूल ऊर्जा नहीं हो जाएगी अभिकारक के अणुओं की, तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। आपने उसमें उत्प्रेरक डाल दिया तो उत्प्रेरक ने क्या किया, संक्रियण ऊर्जा के मान को कम किया, यानी अब अगर 60 जूल ऊर्जा हो गई तो भी रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाएगी। यानी जो हम उसको ऊष्मा दे रहे थे, जो गर्मी दे रहे थे, वो ऊर्जा दे रहे थे। जब 100 जूल ऊर्जा होती थी अणु की तब रिएक्शन करते थे, अब 60 जूल ही पर रिएक्शन होना प्रारंभ हो जा रही है, यानी अब रिएक्शन आसानी से हो रही है। तो उत्प्रेरक क्या किया, इसी ऊर्जा के मान को कम किया, और उत्प्रेरक की ऊर्जा और ये जो संक्रमण अवस्था होती है उसकी ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा। तो उत्प्रेरक ने क्या किया, इस संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया। मैं फिर से समझा रहा हूँ। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु भार तथा संगठन की दृष्टि से अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ तक तो उत्प्रेरक की परिभाषा लिखी गई। उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो संक्रियण ऊर्जा भी आपको समझ में आ गई होगी, जब संक्रियण ऊर्जा को क्रॉस कर लेगा अभिकारक तभी जाकर उत्पाद में बदलेगा, और इस तरीके से जब संक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पाद केंद्र का निर्माण तेजी से होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। को भी याद रखना कि अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक है तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिक होता है, और अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कम होता है। जैसे अपृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे हम एक जो मान लीजिए कि नमक है, तो नमक को अगर आप डालते हैं सीधे तो नमक का अगर इतना बड़ा टुकड़ा तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब उसी नमक को आप बारीक पीस देते हैं तो उसके छोटे छोटे जब कण बन जाते हैं तो वास्तव में जो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, जब आप उसको बारीक पीसते हैं तो हर कण का अपना क्षेत्रफल होता है, वास्तव में जब उसको हम पीसते हैं तो क्या बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और इसी के बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी जहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, जिस सरफेस पर हो रही है, उसकी एरिया जितनी भी ज़्यादा होगी अभिक्रिया की दर उतनी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए, ये मैंने प्रभावित करने वाले कारकों को समझा दिया, अगले वीडियो में आपको वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक के बारे में समझाया जाएगा।